हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास 10th स्टैंडर्ड। हमने कुछ ही दिन पहले सेकेंड लेसन द ह्यूमन रोबोट किया था। आज हम उसकी वर्कबुक की एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट लेसन की तरह ही इसमें वर्कबुक में भी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट में से क्वेश्चंस दिए हुए हैं और वो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है, उसको आप वर्कबुक में रीड कर सकते हो। लेसन में से ही ली गई एक छोटा सा पैराग्राफ है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ रोबोट्स आर मेड बाय सुपर रोबोट्स प्लाजा। इस क्वेश्चन का मतलब है कि सुपर रोबोट्स प्लाजा में किस तरह के रोबोट्स बनाए जाते थे। तो इसका आंसर हम इस पैराग्राफ पे ढूंढ सकते हैं। सेल्समैन कह रहा है, That is our specialty. We manufacture efficient robots for industry, construction companies, plumbing and cleaning, caretakers. They are designed for only specialized work. तो इसमें इसी लाइनों में से हमको आंसर लेना है। Robots for industries, construction companies, plumbing, cleaning, caretakers are designed या are made by super robots plaza. Second question है, who greeted प्रेम चोपड़ा। तो इसमें प्रेम चोपड़ा का अभिवादन किसने किया, किसने greet किया था। तो जैसे ही वो enter हुए थे super robot plaza में, तो salesman ने उनको greet किया था। तो who की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ सेल्समैन। बाकी सेम सेंटेंस आ जाएगा, द सेल्समैन ग्रीटेड प्रेम चोपड़ा। सेकेंड एक्सट्रैक्ट है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड प्रेम चोपड़ा सी इन द राइट कॉर्नर ऑफ द हॉल। प्रेम चोपड़ा ने हॉल के राइट कॉर्नर में क्या देखा। इसका आंसर हम लेंगे, प्रेम चोपड़ा सॉ रोबोट्स क्राउडेड इनसाइड द राइट कॉर्नर ऑफ द हॉल। इसमें देखो थर्ड लाइन में ही आंसर है, द राइट कॉर्नर अपीयर टू बी क्राउडेड विथ रोबोट्स इन मेटालिक सिल्वर इलेक्ट्रिक ब्लू एंड ग्रीन। मतलब राइट कॉर्नर में रोबोट्स पड़े थे, उनकी भीड़ लगी हुई थी, काफ़ी सारे रोबोट्स थे। और वो कौन कौन से थे, मेटालिक सिल्वर इलेक्ट्रिक ब्लू एंड ग्रीन। तो हमको वो सब नहीं बताना है डिटेल, सिर्फ है कि प्रेम चोपड़ा ने हॉल के राइट कॉर्नर में क्या देखा। तो हम क्या कहेंगे, प्रेम चोपड़ा सॉ रोबोट्स क्राउडेड इन द राइट कॉर्नर ऑफ द हॉल। सेकेंड क्वेश्चन है, हु ग्रीटेड प्रेम चोपड़ा। फिर से सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इसका आंसर अलग होगा। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट में भी सेम क्वेश्चन आया था, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन प्रेम चोपड़ा को यहाँ पर ग्रीट किसने किया था, द सिल्वर मेटेलिक रोबोट ग्रीटेड प्रेम चोपड़ा। इसमें आया है कि सिल्वर मेटालिक रोबोट जो था वो आगे आया और उसने आकर कहा था, गुड डे सर, वेलकम टू द सुपर रोबोट्स प्लाजा। देखो दिया हुआ है ना, वन ऑफ द रोबोट स्विफ्टली केम फॉरवर्ड, मतलब इतने सारे रोबोट्स खड़े थे, उसमें से एक रोबोट आगे आया और उसने आकर प्रेम चोपड़ा को ग्रीट किया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वर द रोबोट्स डूइंग। रोबोट्स क्या कर रहे थे, इसमें भी इसका भी आंसर देखो इसी पैरा में दिया हुआ है, सम वर मूविंग अबाउट एज इफ प्रैक्टाइजिंग टू वॉक वाइल सम स्टूड स्टिल स्विच्ड आउट ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब है कुछ रोबोट्स जो थे वो वॉक करने की प्रैक्टिस कर रहे थे और कुछ जो थे वो स्विच ऑफ किए हुए थे। स्विच ऑफ ऑपरेशन से स्विच ऑफ मतलब काम नहीं कर रहे थे, एक ही जगह पे स्टिल स्थिर खड़े थे। नेक्स्ट जो है एक्सट्रैक्ट, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, What was needed to command the robot? रोबोट को कमांड करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी। अगर रोबोट को हमें कोई कमांड देना था तो उसके लिए क्या चाहिए था। तो इसका आंसर भी देखो आपको इसमें मिलेगा कि रिमोट कंट्रोल की ज़रूरत थी। तो what was needed की जगह सिर्फ इतना सा आ जाएगा, रिमोट कंट्रोल was needed। What की जगह रिमोट कंट्रोल was needed to command the रोबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रोबोट। पूरा लेसन हमने पढ़ लिया, इसमें हमको पता तो चल ही गया कि रोबोट का नाम क्या था। तो द नेम ऑफ द रोबोट वाज राम सिंह 070, लास्ट लाइन में आया है। उसके बाद थर्ड एक्सट्रैक्ट जो है उसका
इसी तरह आपको थर्ड एक्सट्रैक्ट आगे वाले जो हैं तो थर्ड फोर्थ और ऐसे करके जो आपने फर्स्ट चैप्टर में किए हैं वैसे आपको इसमें 16 एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं और सारे के सारे एक्सट्रैक्ट आपके लेसन के ही हैं। लेसन में से एक छोटा छोटा पैरा उठाकर और आपको दिया गया है उसी में से आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो आपको इजीली मिल सकते हैं। सेम पैटर्न आपका 9th में भी रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और ऐसे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट वेदर द सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स, ये क्वेश्चन भी आपके लिए अगर आपने लेसन ध्यान से पढ़ा है तो आपके लिए करना बहुत आसान है। प्रेम चोपड़ा वॉन्टेड टू परचेज अ कंप्यूटर, प्रेम चोपड़ा कंप्यूटर परचेज करना चाहते थे तो ये सेंटेंस क्या है, क्या परचेज करना चाहते थे, रोबोट, तो ये हुआ फॉल्स। द रोबोट्स नेम वॉज राम सिंह 070, ट्रू। द रोबोट विल नेवर ओबे हिज मास्टर, रोबोट जो है अपने मास्टर को ओबे नहीं करेगा। वो 3 प्रिंसिपल्स पर बना हुआ था, उसमें पहला ही प्रिंसिपल सिद्धांत यही था कि वो अपने मालिक को ओबे करेगा, उसकी आज्ञा का पालन करेगा, तो उसमें नेवर ओबे दिया हुआ है, मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स। द रोबोट विल नॉट हार्म ह्यूमंस, रोबोट जो है वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये भी उसका एक सिद्धांत था, तो ये क्या हुआ, ट्रू। प्रेम चोपड़ा यूज द रोबोट फॉर स्टीलिंग थिंग्स, प्रेम चोपड़ा ने रोबोट को का उपयोग किया चीज़ें चुराने में, तो ये सेंटेंस ट्रू है। प्रेम चोपड़ा वॉज अरेस्टेड एज ही वॉज कॉट स्टीलिंग, प्रेम चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया जैसा कि उसको चोरी करते हुए पकड़ा गया। प्रेम चोपड़ा ने चोरी नहीं की थी, उसने रोबोट से करवाई थी, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। ऑल द स्टोलन आर्टिकल्स वर रिकवर्ड फ्रॉम प्रेम चोपड़ा, सारे आर्टिकल्स माना चीज़ें प्रेम चोपड़ा से सारी चुराई हुई चीज़ें रिकवर कर ली गई, बरामद कर ली गई, तो बरामद नहीं हुई थी उसी ने, उसने उन सब चीज़ों को अपनी गैंग के द्वारा इधर उधर डिस्पोज ऑफ कर लिया था, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। प्रेम चोपड़ा थ्रेटन्ड टू डिफ्यूज द रोबोट, प्रेम चोपड़ा ने रोबोट को डिफ्यूज करने की धमकी दी थी, ये वाक्य सही है, ट्रू। राम सिंह 070 चोज टू ब्रेक अपार्ट रादर देन टेल अ लाई, राम सिंह ने झूठ बोलने से ज़्यादा अपने आप को तोड़ना ज़्यादा ठीक समझा, तो ये ट्रू है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करने से पहले ब्रैकेट में वर्ड्स दे रखे हैं, उनका हमको मीनिंग आना चाहिए तो ही हम प्रॉपरली फिल कर पाएंगे। फर्स्ट है रेस्पॉन्डेड माना उत्तर देना, पॉज माना रुकना, एक्सप्लेनिंग मतलब समझाते हुए, कंटिन्यूड माना चालू रखना। द टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ द पोएम, शी पॉज्ड फॉर सम टाइम एंड आस्क्ड द चिल्ड्रन इफ दे हैड अंडरस्टूड द पोएम, द चिल्ड्रन रेस्पॉन्डेड विथ अ लाउड यस, द टीचर कंटिन्यूड विद हर एक्सप्लेनेशंस। 4 ब्लैंक्स हैं, फर्स्ट में एक्सप्लेनिंग, सेकेंड पॉज, थर्ड रेस्पॉन्डेड और फोर्थ में कंटिन्यूड। नेक्स्ट है परसुएडिंग, मतलब मनाना, बहलाना, फुसलाना, एक ही वर्ड के 2-3 मीनिंग्स होते हैं तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें उसका मीनिंग लेना होता है। कॉन्फिडेंट विश्वसनीय, ओबे पालन करना, ओबेज पालन करता है करती है, प्रिंसिपल सिद्धांत। मोहन इज कॉन्फिडेंट दैट ही विल सक्सीड इन परसुएडिंग हिज फादर टू अलाउ हिम टू गो फॉर अ पिकनिक, मोहन को विश्वास था, कॉन्फिडेंट माना मोहन, इतने मोहन को अपने आप पर इतना विश्वास था कि वो अपने पापा को मना लेगा काय के लिए, पिकनिक पर जाने के लिए, कि वो अलाउ कर देंगे। हिज फादर इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, उसके पापा सिद्धांतवादी इंसान है, एंड मोहन ऑलवेज ओबेज हिम, और मोहन हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करता है। नेक्स्ट है सेटिस्फाइड ऑब्वियस थ्रिएट एंग्जाइटी, सेटिस्फाइड माना संतुष्ट, ऑब्वियस माना मतलब ये तो ऐसा होता ही है,
क्रिएट धमकी एंग्जाइटी माना चिंता. देयर आर मैनी पेरेंट्स हु आर नेवर सेटिस्फाइड विद देयर चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस. बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं. हैंस इट इज ऑब्वियस दैट मैनी चिल्ड्रन सफर फ्रॉम एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन. इसीलिए ऐसा होता है कि कई बच्चे चिंता और डिप्रेशन से सफ़र करते हैं. सफ़र करते हैं का मतलब उनको कष्ट होता है, उनको चिंता भी होती है और कई बार वो निराश भी हो जाते हैं. टुडे स्ट्रेस इज अ बिग थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन. आज के समय में एक स्ट्रेस माना दबाव, मेंटल प्रेशर, वो एक बच्चों के लिए चुनौती जैसा है कि उनको ये सब सहन करना पड़ रहा है पेरेंट्स का. नेक्स्ट है ब्रिलियंट ट्रिमेंडस एफिशिएंट डेमोंस्ट्रेटेड. ब्रिलियंट का मतलब होशियार, ट्रिमेंडस बहुत ज़्यादा, एफिशिएंट माना एक्सपर्ट, अच्छा, परफेक्ट जिसको हम कह सकते हैं. डेमोंस्ट्रेटेड मतलब डेमोंस्ट्रेशन देना, किसी को प्रैक्टिकली दिखाना कोई चीज. हर्ष इज एन एफिशिएंट एम्प्लॉय. हर्ष जो है एक परफेक्ट, एक अच्छा एम्प्लॉय है. एम्प्लॉय माना काम करने वाला है. ही इज़ ए ब्रिलियंट यंग मैन. ब्रिलियंट माना बहुत ही होशियार यंग मैन है. ही हैज ऑफन डेमोंस्ट्रेटेड हिज स्किल्स. उसने वो अक्सर अपनी स्किल्स को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, मतलब दिखाता है. स्किल्स माना उसमें जो कुशलताएं हैं, अपनी कुशलताओं का प्रदर्शन वो करता है अक्सर. ही इज़ अ मैन विथ ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस. वो एक बहुत ही ज़्यादा विश्वास वाला, मतलब उसमें बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ऐसा एक व्यक्ति है. नेक्स्ट है अम्यूजिंग रिएक्शन क्लियरली और ब्रीफली. अम्यूजिंग का मतलब मनोरंजन करने वाला. रिएक्शन माना रिएक्ट करना माना प्रतिक्रिया. क्लियरली माना स्पष्ट रूप से और ब्रीफली माना संक्षिप्त रूप से. मुल्ला नसीरुद्दीन वॉज नरेटिंग एन अम्यूजिंग इंसिडेंट टू हिज फ्रेंड. मुल्ला नसीरुद्दीन जो थे वो अपने फ्रेंड को एक मनोरंजक घटना बता रहे थे. ही पॉज ब्रीफली एंड वेटेड फॉर अ रिएक्शन फ्रॉम हिज फ्रेंड. वो रुके और उन्होंने ब्रीफली माना संक्षिप्त रूप से बताई कहानी, इंसिडेंट, घटना के बारे में बताया और अपने फ्रेंड के रिएक्शन का इंतज़ार करने लगे कि वो सुनने के बाद, घटना के बारे में सुनने के बाद क्या प्रतिक्रिया देते हैं, उसका इंतज़ार करने लगे. द मुल्ला कुड क्लियरली सी दैट फ्रेंड हैड नो नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग. उसके बाद मुल्ला ये स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे कि उसके फ्रेंड को वो कुछ उस बात जो है वो समझ में ही नहीं आई थी. नेक्स्ट है कलेक्टेड वॉन इंस्ट्रक्शन स्विफ्टली. कलेक्टेड मतलब इकट्ठा करना, वॉन माना चेतावनी देना, इंस्ट्रक्शंस आदेश या निर्देश, स्विफ्टली माना तेजी से, क्विकली. द टीचर रेड आउट ऑल द इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट. टीचर ने सारे निर्देश जो हैं स्टूडेंट्स को पढ़कर सुनाए, उन्होंने पढ़े. शी वॉन्ट देम नॉट टू कॉपी ड्यूरिंग द टेस्ट. उन्होंने बच्चों को चेतावनी दी कि टेस्ट में आप लोगों को नकल नहीं करनी है. व्हेन द बेल रैंग, जैसे ही व्हेन द बेल रैंग, जब बेल बजी, शी कलेक्टेड ऑल द आंसर्स शीट स्विफ्टली. उन्होंने जैसे ही बेल बजी तो उन्होंने सारे बच्चों की आंसर शीट स्विफ्टली माना तेजी से कलेक्ट कर ली, इकट्ठी कर ली. रिवील अफेक्ट. नेक्स्ट है सेवेंथ, रिवील अफेक्ट ग्रिंड और थ्रिएटर्ड. रिवील का मतलब होता है भेद खोलना, अफेक्ट माना प्रभावित होना, ग्रिंड का मतलब स्माइल देना, थ्रिएटर्ड का मतलब होता है धमकी देना. पथिक थ्रिएटर्ड हिज ब्रदर. पथिक ने अपने ब्रदर को धमकी दी. इफ़ यू रिवील अवर सीक्रेट, अगर तुम हमारा सीक्रेट मतलब हमारी जो बीच में रहस्य है या गुप्त बात है उसको अगर रिवील कर दोगे, मतलब वो रहस्य खोल दोगे, आई विल हैमर यू, तो मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा. द ब्रदर ग्रिंड एंड सेड. ब्रदर जो था वो मुस्कराया और कहा योर थ्रेट विल नॉट अफेक्ट मी. तुम्हारी धमकियों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
अब आते हैं शॉर्ट नोट्स यूजिंग द गिवन क्वेश्चंस पॉइंट्स, अर्थात इन पॉइंट्स के आधार पे, इन क्वेश्चंस के आधार पे, जैसे हमने लास्ट लेसन में भी किया था वैसे ही हमको क्वेश्चंस का आंसर दे दे के ही पॉइंट्स के आधार पे हमको शॉर्ट नोट लिखना है। अब ये शॉर्ट नोट इतना इजी है कि पूरा लेसन ही हमने इनके इसके बारे में पढ़ा है। राम सिंह 070 द ह्यूमन रोबोट, ह्यूमन रोबोट जो थे राम सिंह उसके बारे में ही है। व्हाट वाज द कलर ऑफ द रोबोट, रोबोट का कलर क्या था, व्हाट कुड ही डू, वो क्या क्या काम कर सकता था, अभी अभी हमने क्वेश्चन आंसर्स में भी किया था। विच वर द प्रिंसिपल्स दैट वर इन बिल्ट इन हिज सिस्टम, कौन से तीन सिद्धांत थे जो कि उसके सिस्टम में ही डले हुए थे और किस उन तीन सिद्धांतों के आधार पर वो बना हुआ था, वो हमको लिखने हैं। वॉज ही थॉरली एफिशिएंट, क्या वो बहुत अच्छी तरह से एफिशिएंट माना काम करने में परफेक्ट था, हाउ अगर था तो कैसे था, वॉट डिड ही स्टील फॉर प्रेम चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा के लिए उसने क्या क्या चुराया, When was he caught, वो कब पकड़ा गया, क्या करते हुए पकड़ा गया, What happened in the end, और अंत में क्या हुआ, उसका अंत कैसे हुआ। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर अगर हम देंगे तो हमारा शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। तो हमने अगर लेसन थॉरली रीड किया है और समझ में आया है तो हम इन क्वेश्चंस का आंसर आराम से दे सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राम सिंह 070 विद इटसेल्फ, अर्थात राम सिंह के अंदर अंतर्द्वंद चला और उसके खुद के साथ ही उसने अंतर्द्वंद हुआ कि उसे क्या करना चाहिए। इनबिल्ट सिस्टम ऑफ थ्री प्रिंसिपल्स, अर्थात तीन जो प्रिंसिपल्स पर वो बना हुआ था, प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट, कोर्ट में उसको प्रस्तुत किया गया, प्रेम चोपड़ा हैड थ्रेटन्ड टू डिफ्यूज हिम, प्रेम चोपड़ा ने उसको डिफ्यूज करने की धमकी दी, कुड नॉट डिस ओबे हिज मास्टर, अर्थात वो अपने मास्टर की अवज्ञा नहीं कर सकता था, तो कॉन्फ्लिक्ट उसके मन में अंतर्द्वंद चला। इफ ही रिवील्ड द इंफॉर्मेशन, अगर वो इन्फॉर्मेशन दे देता है, डिसोबे हिज मास्टर तो वो अपने मास्टर को डिसोबे करता है, मतलब अवज्ञा करता है। इफ़ ही डिड नॉट रिवील द इंफॉर्मेशन, अगर वो नहीं करता है, सूचना नहीं बताता है, हार्म पीपल तो वो लोगों को नुकसान पहुंचाता है और लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये भी उसका एक सिद्धांत था। उसके बाद इतना अंतर्द्वंद चलने के बाद अंत में वो ब्रेक अपार्ट देन टेल अ लाय, झूठ बोलने से तो वो अपने आप को तोड़ना ज़्यादा ठीक समझता है। तो इस तरह क्वेश्चंस के आंसर देते देते हमारे शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द फंक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसका मतलब है कि सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है और लैंग्वेज फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए, अब लैंग्वेज फंक्शन हमारे ब्रैकेट में दे रखे हैं, हमें वो देखना है कि वो क्या दी हुई है, उसी के आधार पे हमको सेंटेंस कंप्लीट करना है। फर्स्ट जो सेंटेंस है, यू हैव अ मैच टुमारो, अर्थात कल तुम्हारा मैच है, इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज, एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज, प्लेजेंट्रीज में क्या आता है, कुछ वर्ड्स हम कहते हैं जैसे बेस्ट ऑफ लक, सॉरी, थैंक यू, प्लीज़, ये सब किस में आती है, प्लेजेंट्रीज में। तो अगर कल हमारा मैच है तो हम उसको क्या करेंगे, विश करेंगे कि कल तुम्हारा मैच अच्छा हो, है ना, तो क्या बोलते हैं हम, ऑल द बेस्ट या बेस्ट ऑफ लक, और बेस्ट ऑफ लक लिख के इस सेंटेंस को हम कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड है सेंटेंस, इसमें आगे का ब्लैंक है, पीछे सेंटेंस दिया हुआ है, डैश के बाद दिया हुआ है सर बट कैन आई गो होम, तो हो सकता है उनके बीच में, अब उन उससे पहले कि उनके बीच में सर और स्टूडेंट है या कोई पर्सन है उसकी क्या बात हो रही है वो हम अज्यूम करेंगे, केवल हम अनुमान लगाएंगे, तो हो सकता है सर ने उसको कुछ बात कही हो, उसके लिए वो खुश हुआ हो, तो क्या बोलेगा वो, थैंक यू सर बट कैन आई गो होम, सर आप जो कह रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद, लेकिन क्या मैं घर जा सकता हूँ, तो
आगे का सेंटेंस हम थैंक यू लिख के उसको हम फिल करके और सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें भी प्लेजेंट्रीज ही है। थर्ड में भी, मतलब तीनों जो सेंटेंस है इसमें प्लेजेंट्रीज का यूज़ करके ही सेंटेंस को कंप्लीट करना है। वुड यू लाइक टू हैव सम मोर टी? क्या आप और चाय लेना पसंद करेंगे? तो अगर आप और चाय लेना पसंद करोगे, अगर आप नो बोलते हो तो क्या लिखेंगे हम? नो थैंक्स। और अगर यस, तो दोनों में दे सकते हो आंसर। ज़रूरी नहीं है कि जो हम एक सोच रहे हैं वही आएगा, इसके आंसर्स में ऑप्शन हो सकते हैं। तो अगर आप यस दे रहे हो तो क्या हो जाएगा? यस ऑफ कोर्स, यस डेफिनेटली, या फिर नो बोल रहे हो तो नो के साथ थैंक्स, नहीं मैंने जितनी ली है वो सफिशिएंट है और मुझे नहीं चाहिए, पूछने के लिए धन्यवाद, है ना, तो नो थैंक्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द डायलॉग सिलेक्टिंग द करेक्ट रिस्पॉन्सेज बेस्ड ऑन द फंक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। हमारा ये क्वेश्चन है, इंक्वायरी ऑफिसर, आगे जो है वो ब्लैंक दिया हुआ है और इसमें भी इंक्वायरी ऑफिसर बोल रहा है, एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज, इसमें भी वही है कि प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करते हुए। तो हमारे पास नेक्स्ट इसका आंसर, इंक्वायरी ऑफिसर पूछ रहा है किससे? मिसेस पंड्या से। क्या पूछ रहा है? कैन यू टेल मी व्हेन कैन आई गेट द बस फॉर जामनगर? मिसेस पंड्या बोल रही है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे को जामनगर के लिए बस कब मिलेगी? तो जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं, व्हाट डू यू वांट, गुड इवनिंग मैडम, कैन आई हेल्प यू, थैंक यू मैडम, प्लीज़ शो मी योर टिकट, तो इसमें इंक्वायरी ऑफिसर मैडम से क्या बोलेगा? तो मैडम उससे पूछेगी कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जामनगर की बस मुझे कब मिलेगी? तो इंक्वायरी ऑफिसर ने क्या किया होगा, ये बी ऑप्शन चुना होगा, गुड इवनिंग मैडम, कैन आई हेल्प यू, मैडम से गुड इवनिंग की, ग्रीट किया और उसके बाद पूछा कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, तो जाके मैडम ने बोला होगा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे जामनगर की बस कब मिलेगी? तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन है। सेकंड है, जय और मोहन बात कर रहे हैं। जय बोल रहा है, व्हेन डिड यू मीट द प्रिंसिपल? आप प्रिंसिपल से या तुम प्रिंसिपल से कब मिले? जय ने मोहन से पूछा। मोहन क्या जवाब देगा? कि मैं प्रिंसिपल से मिला, है ना, वो पूछ रहा है कब मिले, तो आंसर में क्या आना चाहिए? टाइम। वैन, जब क्वेश्चन में हमेशा वैन आता है तो आंसर में क्या आता है? टाइम। अब देखो जो चार ऑप्शन है, फर्स्ट वाले में आ रहा है आई मेट हिम विथ माय पेरेंट्स, आई डिड नॉट मीट हिम, आई मेट हिम इन द ऑफिस, और लास्ट है आई मेट हिम इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग वाला जो सेंटेंस है उसमें टाइम बताया जा रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा डी, आई मेट हिम इन द मॉर्निंग। ये मोहन का जवाब था कि मैं प्रिंसिपल से सुबह मिला। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, मैच द सेंटेंसेज विद द करेक्ट फंक्शंस। इसमें भी हमको फंक्शंस से ही मैच करना है। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, सेड मीत, मीत ने कहा कि मेरी हेल्प करने के लिए आपको थैंक्स या धन्यवाद। तो ये क्या हुआ? थैंक्स, सॉरी, प्लीज, ये सारे किस में आते हैं? प्लेजेंट्रीज में। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। सेकेंड है द प्रोग्राम इज इन द टाउन हॉल, प्रोग्राम जो है वो टाउन हॉल में है, तो टाउन हॉल क्या बता रहा है? प्लेस, है ना, तो प्लेस, जहाँ प्लेस की बात होती है वहाँ क्या आ जाता है? लोकेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा? स्पेसिफाइंग लोकेशन, सी। थर्ड है आई एम सॉरी आई हर्ट यू, है ना, फिर से इसमें क्या आया? सॉरी। ऊपर वाले में क्या था? थैंक यू। तो अभी अभी मैंने आपको बताया ये जो वर्ड्स हैं ये प्लेजेंट्रीज में इंक्लूड किए जाते हैं, तो सॉरी वर्ड है इसलिए इसमें फिर से एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज हो जाएगा आंसर ए। ए आंसर जो है वो रिपीट होगा फर्स्ट के साथ भी और थर्ड के साथ भी। और फोर्थ है वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th August, हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कब? 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त क्या आया? टाइम। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, स्पेसिफाइंग टाइम। तो ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है। एक लास्ट क्वेश्चन आपका जो है, स्टडी द डेटा एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये एक ग्राफ का नया क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से समझना है। इस ग्राफ में 0 to 100 दे रखे हैं नंबर्स, 10-10 का डिफरेंस है और 5 बच्चों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है,
और उसमें आपको तीन कलर्स की लाइनें बनी हुई हैं। जो ब्राउन कलर है वो स्पेसिफाई किसको कर रहा है, इंग्लिश सब्जेक्ट को, ब्लैक किसको कर रहा है, मैथ्स को, और जो वाइट है वो कर रहा है साइंस को। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, हमको देख के ये बताना है कि किस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, कितने परसेंटेज मार्क्स स्कोर किए हैं किस सब्जेक्ट में। तो जैसे ही हमको क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको अपने आप समझ में आने लगेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट 90% एंड अबव मार्क्स इन मैथ्स, है ना। तो कितने स्टूडेंट्स ने 90% या 90 से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं मैथ्स में। अब देखो आप मैथ्स का जो है वो ग्राफ कहाँ जा रहा है, 90 पे लगभग 1, 2, 3, एक में कौन है, अमित 90 लिए हैं, भावेश 90 से थोड़ा सा ऊपर है 92 के आसपास, और कविता का लगभग जा रहा है 95 के आसपास। बाकी का देखो 90 से कम है, रिचा और तरुण, है ना। तो तीन स्टूडेंट्स हुए, तो इसमें हमको तीनों के नाम नहीं पूछे गए हैं, लिखा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी मना कितने, तो कितने स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, 3 स्टूडेंट्स हैव गॉट 90% एंड अबव मार्क्स इन मैथ्स। हमको हाउ मैनी की जगह केवल क्या लिखना है, 3 स्टूडेंट्स। सेकेंड है, हु हैज़ गॉट द लोएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश का कौन सा है, ब्राउन। अभी ब्राउन की लाइन सबसे छोटी किसकी जा रही है, रिचा की, तो क्या आ जाएगा, लोएस्ट माना सबसे कम मार्क्स इंग्लिश में किसने लिए हैं, रिचा ने। नेक्स्ट है, रिचा हैज़ गॉट द लोएस्ट, हु की जगह क्या आ जाएगा, रिचा, बाकी पूरा सेंटेंस सेम। थर्ड है, इन विच सब्जेक्ट हैव ऑल द स्टूडेंट्स गॉट 70% एंड अबव मार्क्स, अर्थात किस सब्जेक्ट में सारे विद्यार्थियों ने 70 और अबव, मतलब 70% और उससे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं किस सब्जेक्ट में। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, इन विच सब्जेक्ट हैव ऑल द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स ने कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 70% लिए हैं। अब देखो आप 70% पे 70 एंड अबव आ रहा है अमित, भावेश जो है वो 90 आ रहा है, अमित भी 90 आ रहा है, 89 आ रहा है, कविता एक, देखो कौन सा सब्जेक्ट है, साइंस का वाइट लाइन है, है ना। तो 70 रिचा ने भी लिए है, तरुण ने 70 से ऊपर लिए हैं, कविता ने भी लिए हैं 70 से ऊपर, भावेश और अमित ने भी लिए हैं। तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, तो साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारे स्टूडेंट्स ने 70% या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इन विच सब्जेक्ट हैव ऑल द स्टूडेंट गॉट, तो ऑल द स्टूडेंट्स हैव गॉट 70% एंड अबव इन साइंस सब्जेक्ट। इस तरह से हम आंसर बना के लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, मैथ्स का ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन सबसे ज़्यादा ऊपर किसकी जा रही है, कविता की। तो हु की जगह आंसर क्या हो जाएगा, कविता हैज़ गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन मैथ्स। तो ये लेसन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वर्कबुक्स नहीं मिल रही हैं, अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो आपको मैंने पूरा का पूरा वर्कबुक का वीडियो भी दिया है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो आप वर्कबुक नहीं है तो नोटबुक्स में ये एक्सरसाइजेस करेंगे, और आपको ये होमवर्क जैसे जैसे कराया जा रहा है वैसे आपको कंप्लीट करना है। आपकी नोटबुक्स भी चेक की जाएंगी, वो भी इसी तरह से चेक होंगी कि आपको होमवर्क करने के बाद उसका फ़ोटो खींच के हमको टीचर्स को फॉरवर्ड करना है, भेजना है, और आपका वो होमवर्क चेक होगा। इसी तरह से हमारी पढ़ाई चलेगी अभी कुछ समय तक। तो प्लीज़ बी सीरियस एंड स्टडी हार्ड, डोंट बी केयरलेस, क्योंकि ये वापस से आपको पढ़ाई कराई नहीं जाएगी, जो चल रही है उसी पे ही आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि जब स्कूल खुलेंगे सितंबर में तो हम फिर से वापस फर्स्ट लेसन से करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो प्लीज़ आप ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें और ध्यान दें। थैंक यू।